गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइजेज ऑफ मोर ए अबाउट माउस. चूज द करेक्ट आंसर. ए, माउस इज अ डिवाइस. तो माउस कैसा डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस है. तो यहाँ पर हम पॉइंटिंग लिखेंगे. सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैनोट बी डन यूजिंग अ माउस? क्लिकिंग का काम कर सकते हैं, ड्रैगिंग का भी काम कर सकते हैं, टाइपिंग का काम माउस के द्वारा नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम टिक करेंगे. थ्री, डैश क्लिक ऑन एन आइटम टू ओपन इट. तो ओपन करने के लिए क्या करना होगा? सिंगल, राइट, डबल. डबल यहाँ पर लिखेंगे, डबल क्लिक करना होगा. बी नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स. ए, डैश इज यूज टू प्लेस एंड मूव द माउस. तो माउस पार्ट का हम लोग काम में लाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे. सेकेंड, मूविंग एन आइटम टू अ न्यू प्लेस यूजिंग द माउस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? तो यहाँ ड्रैगिंग लिखेंगे. थ्री नंबर, द माउस विच यूजेज लाइट इन इट्स बेस इज कॉल्ड ऑप्टिकल माउस, उसको ऑप्टिकल माउस कहते हैं. फोर नंबर, सिंगल क्लिक मीन्स प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द डैश माउस बटन वंस. तो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट लिखेंगे. फिफ्थ नंबर, डैश मीन्स प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द लेफ्ट बटन माउस ट्वाइस. तो सिंगल क्लिक के का माने हुआ लेफ्ट बटन एक बार प्रेस और रिलीज करना, और यहाँ डबल क्लिक का माने क्या हो गया? लेफ्ट बटन को दो बार प्रेस और रिलीज करना. तो यहाँ पर हम लोग डबल क्लिक लिखेंगे. सी, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस ऑन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, अ माउस इज यूज्ड ओनली फॉर क्लिकिंग. तो यह जो है गलत है, यहाँ पर क्रॉस करेंगे. जनरली ए माउस हैज टू बटन. तो यह क्या है? सही है. तो यहाँ पर हम लोग टिक करेंगे. थ्री, देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ माउस. तो यह गलत है, तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस करेंगे. फोर्थ, द स्मॉल एरो ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड द पॉइंटर. यह सही है. फिफ्थ नंबर, प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द माउस बटन इज कॉल्ड क्लिक. तो यह सही है, तो यहाँ पर हम लोग टिक करेंगे. कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. जब आपका बच्चा पास होकर अगला क्लास में जाएगा, उस समय सिलेबस के अनुसार एग्जामिनेशन में आने वाले सभी लेसन्स के क्वेश्चंस का आंसर समय से पहले आपके पास पहुँच जाएगा. क्वेश्चंस का आंसर्स समझाया गया है. यदि आपका बच्चा प्रतिदिन दिन में दो बार इस वीडियो को सुनकर इसके साथ बोलता है, तो निश्चित ही परीक्षा में वह 100 में 100 अंक पाएगा. थैंक यू, धन्यवाद.